बड़वानी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में सप्ताह में 2 दिन रविवार और सोमवार को पूरे जिले में लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। इसी के चलते रविवार और सोमवार को अब लॉकडाउन रहेगा। साथ ही साप्ताहिक हाट पड़ने वाले क्षेत्रों में भी हाट के दिन लॉकडाउन रहेगा, जिसके बाद पुलिस जिले भर में सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि जिले में लॉकडाउन का दूसरा दिन था जिसको लेकर पुलिस रविवार से ही अलर्ट नजर आ रही थी और रविवार के बाद आज सोमवार को भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते दिखे, जिसकी वॉचिंग के लिए एसपी भी शहर में घूमते नजर आए, जहां पुलिस की कार्रवाई को लेकर बताया गया कि बगैर मास्क या बिना वजह घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और धारा 188 में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताते चले, अनलॉक 2 के बाद जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, जिसको लेकर नवागत कलेक्टर और नवागत एसपी दोनों जिले भर में हर गांव में हर जगह जाकर स्थिति का जायजा लेते नजर आ रहे हैं और हालात बिगड़ने के बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा जिले में सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया। ये देखिए, कोरोना के केसेस बड़वानी जिले में लगातार बढ़ रहे हैं और 300 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। उसको लगभग 400 लोग जो है अब संक्रमित हो गए हैं। उसको देखते हुए कलेक्टर साहब और एसपी साहब के भी सख्त निर्देश है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। उसी के तहत जो है हमने लगातार एफआईआर भी कर रहे हैं, जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ़ एफआईआर और बिना मास्क घूमने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और लगातार जो है अब ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि कोरोना को यदि नियंत्रण में रखना है तो लोगों को घरों में रहना पड़ेगा। अब समझाइश देने का दौर खत्म हो चुका है, समझाइश से लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब ये कार्रवाई जो है एफआईआर चालानी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। सर, हम बात करें अभी तक कितनी एफआईआर हो चुकी है, क्या चालानी कार्रवाई? यदि अभी तक पूरा देखा जाए तो करीब 200, मतलब जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से 200 से अधिक एफआईआर दर्ज हो गई और अभी कल के दिनों में ही हमने कम से कम 7 एफआईआर कल के दिन में हुआ है और आज भी हमने जो अभी उल्लंघन करते पाए गए तो उनके खिलाफ भी एफआईआर अभी दर्ज की जाएगी। सर, इसमें हमने देखा अधिकतर जो शासकीय कर्मचारियों का निकलना होता है, कोई कार्ड दिखाता है, कोई फोन दबाता है, ये बात सत्य है, क्योंकि शासन के निर्देश है कि जो शासकीय विभागों में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं उनको तो रोका नहीं जा सकता, तो उनको हम कार्ड चेक करने के बाद जाने दे रहे हैं, क्योंकि पूरा देखा जाए तो लगभग एक अंदाज से 2500 से 3000 लोग पूरा ये सब शासकीय हमला होगा जो निकलता रहता है। नगर पालिका, कलेक्टर ऑफिस, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग, जिला पंचायत, ये सब मिला के लगभग कितने लोग हैं? कलेक्टर साहब द्वारा संडे और मंडे का लॉकडाउन घोषित किया गया था, उसके मद्देनज़र सभी जगह हम लोग लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। पूरे ज़िले में जनता ने बड़ा अच्छा सहयोग करते हुए लॉकडाउन का पालन किया है। आगामी समय में भी अगले शनिवार और शुक्रवार और रविवार और मंगलवार उसको सोमवार को लॉकडाउन रहने वाला है, तो तब भी मैं जनता से ये अनुरोध करूँगा कि लॉकडाउन में पूरा सहयोग करें, क्योंकि अभी हाल में केस काफ़ी बढ़े हैं और यदि हमें चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन का पालन से ही ऐसा हो सकता है। हाँ, जो भी जिसके पास कोई महत्वपूर्ण कोई जाने का कारण है तो उनको जाने दिया जा रहा है। जो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं और कोई यदि कोई मेडिकल जा रहा है तो उसको अपने दस्तावेज दिखा रहा है तो उनको जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को पाबंदी रहती है। खबर भारत वर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।